أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے رحم کرم فضل اور شکر کے ساتھ جی آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع جس کسی نے میرا پریویس لو نہیں دیکھا ہوا ضرور دیکھے ماشاء اللہ اس میں بہت ہی فن ہوا تھا تو ماشاء اللہ کیا واہ 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 میں آپ کو باہر کا ماحول دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سورج ماشاء اللہ سے نکل آئے ہیں सूरज मामा निकल आए कि पता नहीं चंदा मामा निकल आए सूरज मामा ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अच्छा मामा वैसे किसको कहते हैं उसको सूरज को कहते हैं या चंदा को कहते हैं वो चांद को कहते हैं चंदा मामा सो जा पता नहीं कैसे कैसे जैसे भी है ठीक है तो बस अभी का क्या सीन है कि आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में पता था पिछले व्लॉग में आपको बताया था पिछले व्लॉग में तो मैंने आपके साथ बहुत ही कमाल की बातें शेयर की हैं। आपसे गुजारिश है कि प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देखें फिर आपको उसकी समझ लगेगी। अगर आप किसी भी परेशानी में मुबतला है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखें इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चल जाएगा। मैंने आपके साथ बहुत अच्छी बात शेयर की है इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। तो बस अभी क्या किसी ने कि पिछले व्लॉग में सेकेंड लास्ट व्लॉग में बताया था कि शॉपिंग चल रही है जैसे कि मामू की शादी की शॉपिंग चल रही है तो वो उस सीन से ना फिर एक आध अंदर डिले आ गया बाकी अगले दिन फिर गोली वगैरह भी जाना होता था इस वजह से ना। अब कल है उनकी मेहंदी ठीक चलें कोई बात नहीं मान लिया जुमे को उनकी मेहंदी है ठीक है ओके पर उससे पहले शॉपिंग तो पूरी करनी है। अब शॉपिंग पूरी करनी है तो उसके लिए एक आधा दिन कुर्बानी देनी पड़ेगी समझ रहे हो ना है ना समझा कर हाँ समझ गए। तो फिर इसके लिए आज जुमेरात जुमा और हफ्ता ये तीन दिन के लिए लेंगे छुट्टी कॉलेज से छुट्टी ले कर इंशाल्लाह जो भी कोई काम वगैरह होगा जो शॉपिंग वगैरह रहती है आगे जुमे को तो फिर मेहंदी है हफ्ते को बारात है इंशाल्लाह तो फिर इतवार को वलीमा ये सारी थी। तो बस अभी जो भी कोई चीज़ वगैरह रहती है वो आज इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे कड़ा वगैरह भी जाएंगे अगर हो सका तो जहाँ से जो चीज़ लेनी है ना मतलब पता भी यहाँ से चीज़ लेनी है तो लेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं तो रिनाला से जूती वगैरह लेनी है वो उधर से अभी बाबा से या उकाड़ा से जूतियाँ वगैरह लेनी है जूतियाँ लेंगे इंशाल्लाह। शूज़ वगैरह जूती तो नहीं शूज़ वगैरह लेने हैं तीन चार शूज़ लेने हैं और भी चीज़ें हैं काफ़ी टाई वगैरह भी मैंने शायद लेनी है देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ लेनी है अभी सारा कुछ चेक करेंगे क्या क्या चीज़ लेनी है अगर तो पता फिर ठीक है तो फिर ना उनके क्या कहते हैं यार मेरे जेल से बाहर निकल गए हाँ वो आएँगे फिर इंशाल्लाह शॉपिंग करने चलेंगे। पर उससे पहले टाइम 7:10 हो चुकी है मेरा हालांकि टाइम मेरा है 7:20 का बस आ जाती है वहाँ पर स्टॉप पर इसलिए ड्राइवर को बताना है कि भाई जान आज जुमेरात और जुमा और हफ्ता तीन दिन आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकेंगे क्योंकि आपका स्टूडेंट छुट्टी पर है तू समझा हाँ नहीं तू समझा तो बस अभी उनको ये बताना है तो इंशाल्लाह उनको बता के आते हैं तो बस अभी चलते हैं। तो भाई मैं तो अब स्टॉप पर पहुंच चुका हूँ बस अभी वेट करते हैं इंशाल्लाह ठीक है उसे ड्राइवर के साथ बात करेंगे उनको बता देंगे ताकि वो वेट ना कर सके फिर ऐसे वो वेट करता रहे फिर बंदा अच्छा नहीं लगता कि आपके लिए कोई 5-10 वेट करे तो बंदा अच्छा नहीं लगता फिर उसको बताते हैं फिर इंशाल्लाह चलते हैं। तो गाइस माशाल्लाह से बस तो आ चुकी है बस अब बस ड्राइवर को बताते हैं फिर इंशाल्लाह चलते हैं। तो गाइस माशाल्लाह मैं तो ड्राइवर बता वगैरह कि आ चुका हूँ उनका नंबर वगैरह भी लेना था और नंबर भी ले लिया है ताकि एमरजेंसी अब मुझे जैसे जाना पड़ा ना अगर नंबर होता तो मैं कॉल करके बता देता ठीक बस नंबर ले लिए बाकी अल्लाह काम करेंगे इंशाल्लाह। तो शॉपिंग का मैं कहता हूँ लोग अलग ही बने तो अच्छे हैं कि नहीं सही बात है ना तो बस मैं यही चाहता हूँ कि शॉपिंग का लोग अलग बने तो ताकि बैकअप हो चाहे उसका 3-4 वीडियो हो ना उसके बंदे के पास हों तो वो कहीं भी हो मिसाल के तौर पर मैं अब शादी पर जाता हूँ अब शादी में मैं लैपटॉप वगैरह ये कैमरे वगैरह साथ लेके जाऊँगा यार अच्छा ही लगता बंदा वहाँ पर तो ब्लॉग बनेंगे ही बनेगा इंशाल्लाह पर वहाँ पर वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा ज़रा भी वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो इस वजह से मैंने क्या सोचा है कि 3-4 वीडियो बंदा बना के रख ले
और साथ ले जाए इसके अंदर मोबाइल के अंदर पेश करके ले जाए, उधर जाए हर अगले दिन 7:30 बजे वीडियो अपलोड कर दे। 3-4 वीडियो होंगी काफ़ी, तो बस ये मैंने सोचा है। तो बस अभी वीडियो को शूट करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अच्छी लगी हो सकता कोई चैलेंज कर लें, मैं और उस्मान सोच रहे हैं अभी। तो बस हम मुझे तो अभी नींद आ रही है अभी, बिकॉज यार अभी तो जाना नहीं है, इतनी सुबह सुबह से खुलेंगे तब बाज़ार। तो बस अभी लेट जाते हैं तो फिर उठेंगे और उठकर नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। नाश्ता करके तो जो कोई काम होगा वो कर लेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ खुश रहें, और जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।